हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज अपने स्टूडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं टीसीएस के नतीजों से पहले की रणनीति के बारे में। दोस्तों, वैसे तो टीसीएस सबसे पहले अपने नतीजे देने के लिए जाना जाता है, लेकिन दोस्तों इस बार जो टाटा और सारस मिस्त्री के बीच की जो केस कोर्ट केस की जो सुनवाई थी, उसका कारण से नतीजे डिले हो गए और अब जो नतीजे आने वाले हैं वो आने वाले हैं 17 जनवरी के दिन। तो दोस्तों, किस टाइप के Q3 नतीजे आ सकते हैं? यहाँ पे मिक्स्ड नतीजे रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन ऑप्शन चेंज डेटा से क्या संकेत मिल रहे हैं, किन लेवल में ऑप्शंस में काम चल रहा है? दोस्तों, बड़े बड़े जो कंपनियों के नतीजे होते हैं उसके पहले ऑप्शन डेटा ही बताते हैं कि कोई भी स्टॉक किन लेवल में काम करने वाला है। दोस्तों, हम अंदाजा लगाने की आज कोशिश करेंगे कि टीसीएस किस लेवल में काम करेगा। तो सीधा चलते हैं दोस्तों डेटा की तरफ और बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी दोपहर के 12:10 के आसपास का समय हो रहा है और अभी जो टीसीएस का प्रेजेंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 2233 2234 रुपए के अराउंड। यहाँ पे अगर हम पुट के बात करते हैं, पुट के किस टाइप की पुट में पोजीशन बनी है, तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन आएगी वो आती है स्ट्राइक प्राइस 2200 के लेवल की। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस 2200 के स्ट्राइक प्राइस पे जो प्रीमियम चल रही है वो चल रही है 38 रुपए की, और 38 रुपए की प्रीमियम होने के कारण यहाँ पे जो इसका ओपन इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 519,750 शेयरों का, और 55,000 शेयर आज के दिन यहाँ पे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट एक सबसे बड़ा बेस मान के चल रहा है 2200 के लेवल पे, और अगर 2200 का लेवल टूटता है तो उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा बेस यहाँ पे टीसीएस के लिए निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2100 के लेवल का, जो कि सीधे 100 पॉइंट नीचे आता है, जहाँ पे 3,74,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई देगा। 42,250 शेयर अभी लेटेस्ट जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपसे प्रीमियम की बात कर लूँ तो यहाँ पे 14 रुपए 25 पैसे की प्रीमियम चलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे डिस्टेंस भी ज़्यादा है और रेंज भी बड़ी है, क्योंकि टीसीएस के नतीजों के बाद, क्योंकि ये नतीजे आएंगे आफ्टर मार्केट, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को दिखाई दे सकती है। टीसीएस का जो 52 वीक हाई है वो लगभग लगभग 2296 के आसपास निकल के आता है। तो दोस्तों, 2296 का लेवल अपसाइड में इंपॉर्टेंट होगा टीसीएस के लिए। तो यहाँ पे जो बॉटम सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 2200 से लेके 2100 के बीच में है, लेकिन अगर हम वही बात करते सीधे कॉल पे जाके कि कॉल पे कहाँ पे जाके इसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पे जो कॉल का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो पहला तो आ रहा है 2240 पे ही, जो कि अभी लेटेस्ट के एट द मनी प्राइस पे अगर बात की जाए तो एट द मनी है लगभग लगभग। यहाँ पे जो प्रीमियम चल रही है वो चल रही है 48 रुपीज की, और 3,03,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है, और 27,000 शेयर आज यहाँ पे नए जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 2220 और 2200 के कॉल पे भी अगर मैं बात करूँ तो 2200 कॉल पे 3,35,000 शेयर बने हैं, लेकिन यहाँ से 33,000 शेयरों की अनवाइंडिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि प्राइस अब इसके पार निकल चुका है। और यहाँ पे अगर 2200 के पुट के 2200 के कॉल की अगर हम ये बात कर रहे हैं, 2220 के कॉल में भी दोस्तों यहाँ पे 23,000 शेयर अनवाइंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और 1,88,000 शेयरों का एक छोटा इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन जो सबसे बिगेस्ट ओपन इंटरेस्ट बना है वो है 2300 के कॉल पे, जहाँ पे 4,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 38,000 शेयर यहाँ पे आज जुड़ते हुए आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। 2400 रुपए की जो है इसकी प्रीमियम यहाँ पे आपको चल रही है, और 2300 का कॉल अपर साइड में सबसे बड़ा लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अगर ये 2300 का लेवल कल के दिन रिजल्ट के बाद जब निकल के आता है और जब सोमवार के दिन मार्केट ओपन होगा, 2300 का लेवल के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, तो दोस्तों टीसीएस के शेयर में एक अच्छी खासी आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो भी ट्रेडर्स होंगे वो किस तरीके की रेंज को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों यहाँ पे जो कॉल स्प्रेड और पुट स्प्रेड जो होते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट करके अगर हम कर रहे हैं स्ट्रैंगल बनाने की कोशिश, तो दोस्तों यहाँ पे जो 2300 की कॉल है वो चल रही 24-25 रुपए के आसपास, और साथ ही साथ यहाँ पे 2200 की जो पुट चल रही है वो 38 रुपए चल रही है। तो अगर हम इसको बॉटम से अगर लेते हैं थोड़ा सपोर्ट और 2100 का लेते हैं, तो यहाँ 14 रुपए का जो पुट चल रहा है इसको, क्योंकि यहाँ पे नीचे रिजल्ट आने की संभावनाएं ज्यादा लगती है ऊपर की तुलना में, क्योंकि रिजल्ट हमेशा ही नीचे की तरफ ज्यादा सरप्राइज करते हैं, ऊपर की तरफ कम करते हैं। तो अगर आप 2100 का पुट और साथ ही साथ 2300 का कॉल शॉर्ट करते हैं 24 रुपए और 14 रुपए के भाव पे, तो आपको जो कंबाइंड प्रीमियम मिलती है वो मिलती है 38 रुपीज के आसपास,
और यहाँ पे 38 रुपये की प्रीमियम मिलती है, और आपको यहाँ पे 250 का अगर लॉट साइज माना जाए तो 250 के लॉट के हिसाब से आपको कम से कम यहाँ पे 9,500 रुपये पर लॉट पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये इस एक्सपायरी के लिए एक रेंज होगी जहाँ पे आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। तो एक 2100 से 2300 की रेंज आपके लिए एक सेफ प्ले हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसके ऊपर अगर 2338 और 2100 2060 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो दोस्तों उसके बाद आपकी अनलिमिटेड रिस्क यहाँ पे चालू हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी पोजिशन बनाते हैं तो एक सेफ प्ले हेजिंग के साथ जरूर बना सकते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने के कुछ चांसेस टीसीएस के रिजल्ट से मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी टीसीएस के रिजल्ट से पहले उसकी कंप्लीट एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की और भी रिजल्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।